खेसारी लाल यादव का जब से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से लफड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, जो केस का मामले हुए हैं, तब से खेसारी लाल यादव का गाने पर बहुत मुसीबतें आ गई है। यानी खेसारी लाल यादव के गाने उतने सर्चिंग में नहीं है जितना सर्चिंग में होना चाहिए। जितना जल्दी मिलियन क्रॉस करते थे वो गाने, उतना मिलियन क्रॉस नहीं कर पाते थे। गाने का उदाहरण देख लीजिए, 6 दिन 7 दिन लगभग हो गए और गाने का व्यूज मतलब सिर्फ 2.2 मिलियन बचे हुए एक छोटे कलाकार की तरह। यानी कि खेसारी लाल यादव का सर्चिंग, इसी को कहते हैं कलाकारों को निगलना। जी हाँ, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा खेसारी लाल यादव को निगलने की भी तो तैयारी हो ही रही है, निगल भी रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव के गाने को देखिए और इनके ऑडियंस कहाँ है, वो भी हम सभी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। और ये जो गाने हैं सजनवा भजनवा गावेले रघुराई के, इस गाने पर न जाने बहुत तरीके के विवाद हुए, गाने चोरी का आरोप लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो गाने ट्रेंड नहीं कर पाए और न सर्चिंग में अच्छे से गाने हुए। और वही पवन सिंह का गाने को देखा जाता है कि पवन सिंह का गाना आता है रुवेली गाए, जो कि पवन सिंह का गाना किसी चैनल के द्वारा आता है, तो आने के बाद उनका गाना लगभग 5-6 मिलियन गाना क्रॉस कर जाता है। खेसारी लाल यादव का एक सप्ताह पहले गाना आता है सजनवा भजनवा गावेले रघुराई के, यानी कि वो गाने काफ़ी इतना कंट्रोवर्सी हुए, चोरी विवाद न जाने कौन कौन सी चीज़, मतलब उस पर बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन वो गाने का मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब कि 22 लाख व्यूज में बहुत लाख कंट्रोवर्सी लाख विवाद के बाद भी वो गाने फंस कर रह गए। अब जरा बताइए कि खेसारी लाल यादव का गाने आखिर इतना व्यूज कम आ रहे हैं, या कि खेसारी लाल यादव के ऑडियंस कहाँ सोए हुए हैं। और वही पवन सिंह का गाने को देखा जाता है कि पवन सिंह का गाना आता है रुवेली गाए, जो कि पवन सिंह का गाना किसी चैनल के द्वारा आता है, तो आने के बाद उनका गाना लगभग 5-6 मिलियन गाना क्रॉस कर जाता है। तो मानना तो ये पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव की, यानी कि फैंस जो है कि लगता है कि सोए हुए हैं। अब फैंस जब सोए हुए रहेंगे तो खेसारी लाल यादव का गाना मिलियन क्रॉस आसानी से नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहली बात कि रोवेली सजनवा भजनवा जो गाने हैं, एक कोई और पुराने सिंगर आरोप लगाते हैं, दूसरे तरफ प्रद्युमन परदेसी जी आरोप लगाते हैं, बहुत सारे न्यूज होते हैं, बहुत सारे विवाद भी आते हैं, लेकिन विवाद होने के बाद गाने का कोई रिस्पॉन्स कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। यानी कि विवाद होने के बाद, चाहे गाने पर कुछ आरोप लगने के बाद गाने सर्चिंग में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। यानी कि ऑडियंस कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे गाने से बोर हो रही है, चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो। जो कि पवन सिंह का भी गाना होता था कि 5 दिन में 20 मिलियन 10 मिलियन, खेसारी लाल यादव का 20 मिलियन 30 मिलियन 50 मिलियन लगभग गाने देखने को मिलते थे। हालांकि पवन सिंह का भी बल्ले बल्ले इसलिए है कि पवन सिंह का जो भी गाने आ रहे हैं मिलियन क्रॉस बहुत आसानी से कर जा रहे हैं, और एक सप्ताह 10 दिन जाते जाते 50 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन गाने चले जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव जी का जो चैनल है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, उनका एक चैनल से गाना आ रहा है, शायद इस वजह से भी उनका व्यूज कम आ रहा है, क्योंकि ऑफिशियल चैनल पर बहुत ऑडियंस कम ही होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े चैनल पर बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं जो कि कंपनियां के जो चैनल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव का गाना सिर्फ एक चैनल से आ रहा है, तो मतलब कुछ कुछ गाने वो चले जा रहे हैं। और खेसारी लाल यादव जी के सभी चैनल से तो गाने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से उनका लफड़ा विवाद हुआ है। पवन सिंह का सारे चैनल से गाने आ रहे हैं, सर्चिंग बना हुआ है, जो चैनल से गाना छोड़ेंगे भैया गाना तो मिलियन व्यूज क्रॉस आसानी से कर ही लेंगे। तो अब सोचना ये होगा खेसारी लाल यादव को कि ग्लोबल म्यूजिक से उनका विवाद कब ख़त्म होता है कब ख़त्म नहीं होता है, मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि जब तक उनका ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से विवाद चलेगा तो खेसारी लाल यादव का गाना हर एक गाने ऐसे ही पिटते रहेंगे। और जितने गाने में पैसा लगाया जाता है, जितना वीडियो में पैसे खर्च किए जाते हैं, तो शायद वो भी रिकवर ना हो पाए, तो इसलिए कलाकारों का भविष्य जो भी है खतरे में हो जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ देखते हैं पवन सिंह का धनिया ये जान, 100 मिलियन गाने क्रॉस कर गए, न जाने 300, 400, 200, 300 मिलियन ऐसे गाने इस साल पवन सिंह का लगन में बजे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पवन सिंह कभी केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, कभी मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कभी अपने राइटर्स लेके सभी को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पवन सिंह का इन साल का लगन सुपरहिट रहा, और इन साल के लिए लगन उनके लिए खास रहा। अब फिर आने वाला है लगन का समय, शादी विवाह का समय आने वाला है, देखते हैं कि मतलब कि किसका गाना फिर मार्केट में तेज़ी से ट्रेंड करता है, क्योंकि ट्रेंडिंग पेंडिंग सेंडिंग में रहना बहुत बड़ी बात नहीं है सर। और हम जो न्यूज़ बनाते हैं भैया, ओल झोल झोल झपटा वाला नहीं न्यूज़ बनाते हैं। पवन सिंह का गाने अभी आसानी से मिलियन व्यूज क्रॉस कर जा रहे हैं, 5 मिलियन 6 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन एक सप्ताह 10 दिन के अंदर। यानी कि पवन सिंह के फैंस काफ़ी एक्टिव हैं, और
खेसारी लाल यादव के फैंस एक्टिव नहीं है, क्योंकि सिर्फ कमेंट में लोग लिखते हैं कि खेसारी भैया जिंदाबाद ट्रेंडिंग स्टार, तो किसी स्टार को गाली कमेंट में दे देते हैं, चाहे जो भी है, चलिए वो तो ऑडियंस की राय है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ऑडियंस से, ऑडियंस कितना खेसारी लाल यादव के एक्टिव हैं और पवन सिंह का ऑडियंस कितना एक्टिव है। कॉमेंट सेक्शन में आप जवाब अगर देंगे तो मैं समझ पाऊँगा कि किनके फैंस कितना एक्टिव हैं, क्योंकि भैया संघर्ष 2 मूवी खेसारी लाल यादव का आया, काफ़ी मीडिया के लोगों ने, सभी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, हालांकि फिल्में सुपर डुपर हिट भी हुई, जो कि पवन सिंह की अपेक्षा खेसारी लाल यादव का जो फिल्में हैं लगातार मतलब कि कहर बरपा रही थी, सभी सिनेमा घरों में भी चली और चल भी रहा है, तो उससे अच्छा कमाई फिल्म किया है पवन खेसारी लाल यादव का। हो सकता है खेसारी लाल यादव ज़्यादा एल्बम करने के मूड में ना हो, क्योंकि फिल्में में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हैं। अब मामला क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन खेसारी लाल यादव के ऑडियंस जो है अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए तरस रही है, तो मैं चाहूँगा कि दोनों सुपरस्टार पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे अच्छे गाने दें और बिल्कुल नए वर्जन में गाने को लाएँ। इसका भजनमा गावेल रघुराई के सब गाने जो हैं, कि कभी कोई आप पे आरोप लगाता है, कभी कोई कुछ बोलता है, जिससे प्रदुमन परदेसी जी भी हैं तो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार हैं, लेकिन उनके भी गाने चोरी के आरोप लगे। फिर एक और नया कलाकार था अमन बाबू की कौन बाबू, तो जो भी मतलब कि नए कलाकार थे सभी लोग आरोप लगा रहे थे, तो रियूज कंटेंट चाहे इस तरीके के गाने अगर गाएंगे और ऑडियंस को झूमने पर मजबूर नहीं करेगी तो लोग उतना आसानी से नहीं सुन पाएंगे। वही आपके टीम में अखिलेश कश्यप हैं, ललका टी शर्ट वाला लेकर हरे गाने जो भी आते हैं आपके, बहुत आसानी से मार्केट में मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेते हैं, वो गाने भी बजाते हैं, गाने में ताकत भी होता है, ऐसा क्यों होता है आखिर भाई? तो अखिलेश कश्यप हो, आपके आपके टीम में जो भी हो, सभी को मालूम होता है कि ये गाना मेरा बज जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, उस गाने पर उन लोग मेहनत कर देते हैं, गाने बज जाते हैं। लेकिन आपके पास जो भी अभी फिलहाल जो राइटर गाने लिख के दे रहे हैं, लिखा हुआ छपा हुआ, मतलब कि 3-5 बोल झपेटा वो सब गाना है, उतना मज़ेदार गाने नहीं है, तो ऑडियंस को क्या सुनाइएगा? ऑडियंस को लहरदार मज़ेदार चटकदार गाने चाहिए। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोटू तवाई। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जैसे ही एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके ओपन करोगे, फिर यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, 3 पत्ती जो है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कट करते हैं। अभी आप लोग नोटिस यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारा आप लोगों को मिलेगा, फर्स्ट डिपॉजिट बोनस वगैरह। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि 51 रुपीस आपको कैसे लेना है। दोस्तों जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करोगे, फर्स्ट में आपको 11 रुपीज़ फ्री में मिलेगा बस डाउनलोड करने का। उसके बाद ऊपर में आप लोगों को आईडी पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर बाउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जैसे बाउंड करोगे आप लोगों को 41 रुपीज़ एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ मिल जाएगा, टोटल के टोटल 51 रुपीज़ आप लोग को फ्री में साइन अप बोनस के तौर पर दिया जाएगा, जिससे आप लोग पैसा कमा सको भाई। अब चले बात करते आगे। सो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों को दिखलाई देगा शेयर। गाइस देखो, शेयर से आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हो, चलिए पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे शेयर के लिए सबसे पहले एक दोस्त को रेफ़र करोगे 80 मिल जाएगा, दूसरे को करो कि यहाँ पे 90 मिल जाएगा, और तीसरे करते हो तो 100 रुपीज़ मिल जाएगा। उसके बाद 4 को करो, 5 को करो, 100 रुपीज़ आप लोग को मिलता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे रेफ़र एंड अर्न दिखलाई दे रहा। दोस्तों एक ही रेफ़र नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेफ़र पैसा दिया जाता है। अब देखो, उसी दोस्त को आपने रेफ़र किया, अब उस रेफ़र के आपका दोस्त जितना पैसा कमाएगा उसका 60%, अब पहले 30% दिया जा रहा था, बट अभी हाई अमाउंट कर दिया गया, 60% आप लोगों को मिलेगा हमेशा। तो चलिए बात करते हैं गेम कैसे खेलना है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग करना पड़ेगा कुछ अमाउंट को डिपॉजिट। इसके लिए यहाँ पे आप यहाँ से आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे प्लस पे जैसे क्लिक करो, उसको यहाँ पे आप लोग को किस भी अमाउंट को यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे कि 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 3000, 5000, यहाँ पे 50,000 तक भी डिपॉजिट कर सकते हो आप लोग, से कमा सकते हो गेम प्ले करके। तो इसके लिए सबसे पहले टाइगर वर्सेस ड्रैगन गेम को ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं एक टाइगर वर्सेस ड्रैगन गेम को खेल करके आप लोगों को दिखलाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहो, सब कुछ मैं आसानी से अभी बताने वाला हूँ। अब चलिए फिर से मैं बैट लगाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मैंने विग विन कर चुका हूँ, आप लोगों के सामने मैंने 1000 रुपीज़ का बैट लगाया, और यहाँ पे गाइस विग विन आप लोगों के सामने दिखलाई दे, मैंने 600 रुपीज़ का विन कर लिया है। इसी तरीके से आप लोग प्ले कर सकते हो। उसको फिर से यहाँ पे 100 रुपीज़ को लगा देने वाला हूँ यहाँ पे टाइगर पे, एंड देखते हैं, वेट करते हैं रिजल्ट का। दोस्तों देखो, आप लोग सीरीज के साथ प्ले करो, काफ़ी अच्छा मजा आएगा गेम खेलने में। जब आपको समझ नहीं आ रहा है आप तो एक दो राउंड रुक जाओ, गैस देखो आप लोग रुक के प्ले करो, काफ़ी अच्छा अर्निंग करोगे। अभी फिर से लॉस हो गया, टाइगर पे यहाँ पे ड्रैगन पे ही लगाने वाला हूँ, ठीक है।
सो दोस्तों, जीते हुए पैसे को आप लोग इजीली आसानी तरीके से कैसे विड्रॉ कर सकते हो वो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे जैसे क्लिक करो उसके बाद यहाँ पे आप लोग के सामने बैंक ओपन हो जाएगा। दोस्तों देखो, प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट नंबर भरो, उसके बाद यूज़र नेम भर देना, आईएफएससी कोड भर देना, बैंक सेलेक्ट कर लेना। आप लोग किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी दे करके सेव कर लेना है। जैसे ही सेव कर लो, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है। वैसे देखो, जितना का भी आप लोग को विड्रॉ करना है उतना अमाउंट डाल देना है। जैसे अमाउंट डाल दोगे, उसको यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर लेना है। गाइस देखो, यहाँ से आप लोग पैसा विड्रॉ लगाओगे, आपका पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।